वर्तमान ट्रेंड को देखते हुए अपेक्षा ये है कि जो हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स जोधपुर जहाँ भी आप लोगों ने कार्रवाई की है उसके साथ रियल बेकर्स जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम यू हैव ट्राइड द रेस्ट नाउ ट्राई द बेस्ट नियर कलेक्टर बंगलो पुलिस लाइन अजमेर एंड नियर कनकशी गार्डन जवान नगर अजमेर कोरोना के केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं और जिस तरह से जन सामान्य जो है उसमें एक रिलैक्सिटी की भावना आ रही है वो नहीं आए और हम सब राजस्थान जो सतर्क है कोरोना से युद्ध के लिए उस संदर्भ में आज यह बैठक रखी गई थी और वीसी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो डायरेक्शंस दिए हैं वो बेसिकली यही हैं कि किसी भी तरह से हम कोरोना के केसेस कम कर सकें कोरोना की स्प्रेड को कम करें सैम्पलिंग और सर्वेलेंस की कार्रवाई जो है वह बढ़े ताकि जो चेन है स्प्रेड की उसको रोका जा सके ये भी डायरेक्शंस दिए गए हैं कि कोविड केयर सेंटर और कोविड हॉस्पिटल्स इसमें सतत जो निरीक्षण है वो किए जाएं ताकि जो भी वहाँ पे भर्ती हैं वो उनको संतोषजनक सेवाएं मिल सकें बेड्स को लेकर भी कोई में हाँ बेड्स के लिए ये डायरेक्शंस दिए गए हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी एज अ स्टैंड बाय उनको भी जोड़ा जाए और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी यदि कोविड ट्रीटमेंट आवश्यकता पड़े तो उनको भी हम फुल स्केल तरीके से इस्तेमाल कर सकें जिस किसी जिले वर्तमान ट्रेंड को देखते हुए अपेक्षा ये है कि जो हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स डिविजनल हेडक्वार्टर के हैं वहाँ पे हम 4 गुना ऑक्सीजन युक्त और आईसीयू बेड्स 1 महीने के अंदर कर लें ताकि कोई भी फ्यूचर ट्रेंड रहता है तो उसको बड़े अच्छे जोधपुर जहाँ भी आप लोगों ने कार्रवाई की है उसके सार्थक परिणाम देखने को मिले हैं तो उस पर सतत जागरूकता के साथ कार्रवाई अपेक्षित है कुछ मुख्य बिंदु प्रारंभ मैं करूँगा जो प्रिंसिपल से कि मेडिकल एंड हेल्थ से आप निरंतर संपर्क में रहें जिस किसी जिले वर्तमान ट्रेंड को देखते हुए अपेक्षा ये है कि जो हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स डिविजनल हेडक्वार्टर के हैं वहाँ पे हम 4 गुना ऑक्सीजन युक्त और आईसीयू बेड्स 1 महीने के अंदर कर लें ताकि कोई भी फ्यूचर ट्रेंड रहता है तो उसको बड़े अच्छे जोधपुर जहाँ भी आप लोगों ने कार्रवाई की है उसके सार्थक परिणाम देखें।